हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 और 9 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया है क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किमी एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि लगातार चल रही है, न तो कहीं स्पीड चेंज हो रही है। जब यूनिफॉर्म बोल रहा है यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किमी पर आवर मोर, इट वुड बी हैव टू द टेकन 1 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको यहाँ क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लगने वाला है आपका टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान में हमारा क्या होता है, स्पीड। तो ये फार्मूला अप्लाई यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड ट्रेन की बढ़ा दे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और डिस्टेंस हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे ये दिए हैं वैसे ऐसे हम मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ऑफ द ट्रेन, मान लिया हमने ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स किमी है, ठीक है, किमी है, ठीक है, चलिए किमी पर आवर लिख लीजिए, ठीक है। टाइम टेकन बाई कवर, ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। तो टाइम, टाइम टेकन टू कवर 360 किमी इक्वल टू 360 अपान में एक्स, ठीक है, आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस, आपको जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स प्लस फाइव। फाइव यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 किमी पर आवर्स मोर हो जा रहा है। तो हम इनिशियली इस जो हमारा ट्रेन की स्पीड है उसमें 5 क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, एंड 360 अपान में x-1, ठीक है, 1 आवर कम लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन। इसी रिलेशन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए, जो आएगा यहीं से आपका स्पीड निकल आएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस फाइव यहाँ से ले लीजिए 360, और यहाँ पे एक्स अपान में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 360, इसको उधर मल्टी अप्लाई करवा दीजिए। तो x प्लस फाइव 360 माइनस एक्स, इधर 360 एक्स, ठीक है, ये नॉर्मली आपको कैलकुलेशन आना चाहिए दोस्तों। चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 360 एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इसका इसके साथ, ठीक है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 0 5 6 30 की 0 5 15 3 18, और फिर इसका इसके साथ माइनस 5x इक्वल टू 360x। चलिए अब इसको अरेंज कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 360x प्लस यहाँ पे क्या है 800 माइनस 5x, और यहाँ पे माइनस में 360x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो 360x पॉजिटिव में, ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो हमारा फाइनल यहाँ पे बच रहा है वो क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका जो बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो बचा है 1800, और यहाँ पे माइनस 5x इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला टर्म कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर जहाँ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा 5x, और यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन आएगा 5x 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। चलिए इसका फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर 45 और यहाँ पे माइनस 40 कर दें तो ये आ जाएगा 1800, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे 45 में से 40 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ जो बचेगा वो कितना बचेगा, 45x-40x, और यहाँ पे 18 0। चलिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस
45, और यहाँ पे 40 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा क्या प्लस में, चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स प्लस 45 और 45 और एक्स माइनस 40, तो यहाँ एक्स की दो वैल्यू मिली माइनस 45 और 40, तो ये माइनस वाला पार्ट हम लेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे निगेटिव वाला पार्ट, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो निगेटिव वाला यहाँ पे निगलेक्ट करके तब यहाँ पे आप लिखेंगे देयर फॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होगी 40 किमी पर आवर होगी, ठीक है। तो ये आपका 40 किमी पर आवर से वो ट्रेन क्या होगी चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें अप्लाई कौन सा हुआ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड जैसे ही बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे बात करते हैं 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 दिया है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन वी फिल अ टैंक इन 9:3:8 आवर्स, ठीक है। 9 सही 3/8 भी बोलते हैं इसको। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक द 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच द टैप कैन बी सेपरेटली फिल द टैंक। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक छोटा सा टैंक है, एक बड़ा टैंक है, बताइए उन वो कितने समय में भरेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन भी दिए हैं, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, और यहाँ पे आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट द टाइम taken by smaller pipe to fill the tank, ठीक है, be x, ठीक है, x hour, मतलब x आवर में हमारा क्या कर रहा है, स्मॉलर टैंक भर रहा है। अब बात करें सेकंड नंबर की, यहाँ सेकंड नंबर की बात करें तो टाइम टेकन द लार्जर पाइप इक्वल टू x माइनस 10 आवर, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आपको दिया है लेस देन, तो यहाँ लेस देन अप्लाई करेंगे क्या माइनस, चूंकि घट रहा है। और यहाँ पे बात करते हैं पार्ट ऑफ टैंक फील बाय स्मॉलर पाइप इन वन आवर में कितना होगा 1/x, ठीक है। अब बात करें सेकेंड नंबर की, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय लार्जर पाइप इन वन आवर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 10, 1/x-10 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट टैंक इज कैन बी फील, कितना दिया है आपको 9 सही 3/8 दिया है आपके बुक्स में। इट इज़ गिवन दैट टैंक, राइटिंग थोड़ा बेकार बैठ रही है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। टैंक कैन बी फील्ड कितने में 9 सही 3/8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 9 72 72 3 75/8, ठीक है। आवर्स कितना आवर्स बाय बोथ द पाइप टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया मेंशन कर दिया। चलिए अब
अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान x प्लस 1 अपान में x माइनस 10 इक्वल टू 8 अपान में 75, कितना 75। चलिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस 10 प्लस x अपान में x ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू 8 अपान में 75। यहाँ पे x x क्या हो जाएगा 2x, और इसका मल्टीप्लाई तिरछा तिरछा कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2x माइनस 10, और इधर हो जाएगा 8x माइनस 10। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 दूना कितना 150x, और यहाँ पे ये 75 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर, आधा में 80x, तो ये फाइनल आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको ये वाले साइड को इस वाले पहले 8x² - 80x को लिख के उस साइड में 150x और ये 750 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनको इधर बुला लीजिए, 8x² - 80x माइनस, ये प्लस में है माइनस, तो 150 और ये प्लस में आएगा 750 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जब जुड़ जाएंगे तो 8x², तो यहाँ 15 8 कितना होता है, 15 8 23 होता है, तो यहाँ पे 230x प्लस 750 इक्वल टू ये। ठीक है, तो फाइनल जो इक्वेशन आया 8x² - 230x + 750 = 0। अब इसका क्या करना होगा, आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट वाले में करते हैं, तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा है वो है 8x² - 230x + 750 = 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन था। अब इसको क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पे जब फैक्टर आप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से 200 + 30 और x + 750 = ये। अब यहाँ पे 8x², देखो 200 का 30 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 700 का कितना आएगा आपका, ये यहाँ पर 750 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, 200x * 30x और यहाँ पे 750 = इतना। ठीक है, अब ये 750 नहीं है दोस्तों, 750 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, उसका हम यहाँ कर रहे हैं, 200 + 30 कितना 230, और मल्टीप्लाई करने वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉमन ले लीजिए 8, यहाँ पे कॉमन जो होगा हमारा 8x होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 25 * 8 = 200 होता है, तो यहाँ पे बचेगा x - 25, यहाँ पे 30 कॉमन ले लीजिए तो x- कितना बचेगा 25, तो x - 25 और यहाँ पे 8x - 30 = 0। एक एक्स की वैल्यू आएगी 25, एक एक्स की वैल्यू आएगी 30 / 8। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपकी आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसको छोड़ देंगे, जो हमारा रियल पार्ट है वही हम लेके चलेंगे। तो x बराबर कितना आया 25। ठीक है दोस्तों, तो टाइम टेकन क्या, टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप इज कितना, आप कितना माने थे वहां पे 25 माइनस, यहाँ पे जो x माइनस कितना था 10, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे आप 25, तो x यहाँ पे रख दीजिए 25 माइनस कितना 10, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 15 आवर्स, तो 15 आवर्स में आपकी क्या होगी, टैंक फुल होगी। तो ये तो एक आप तो एक तो 25 निकाल रहे हैं और एक ये 15 आवर, तो ये दो आंसर आपके होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।